पति छोड़ देंगे लेकिन यूट्यूब को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ था भाई साहब के साथ, क्या हो गया था? वो देखिए, मैं आप लोगों के भी कैमरा के सामने बता रही हूँ कि मैं अपने पति जी को समय नहीं दे पाती हूँ। जैसे आते हैं खाना वगैरह खाने पीने के लिए, तो वहाँ पे बैठ के खिलाना पिलाना वो सब पत्नी का धर्म होता है, हर पत्नी का। तो ऐसा मैं नहीं कर तो सकती मतलब हूँ। YouTube मैं के चलते पत्नी धर्म से अब विमुख हो गई है ऐसी बात नहीं अपने है, उनको खाना वाना दे देते हैं, और पति देने के बाद भी मोबाइल लेकर हम उन्हीं के पास बैठ जाते हैं, अपना से। काम भी अच्छा, करते हैं। मतलब बातचीत और भी नहीं होती है भाई साहब हाँ से हाँ वीडियो बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि बात नहीं के होते। कभी कभार जैसे मेरे काम चक्कर के ज्यादा प्रेशर रह गया तो इसमें जल्दी जल्दी हो जाते। इसी बीच में मतलब थोड़ी सी झगड़ा हुई थी और बोल दिए थे कि पति वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे। बताइए, लोग कह रहा है कि पति पति को छोड़ देंगे तो देवर के साथ रहेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम पति को छोड़ के यूट्यूब के साथ नहीं, हाँ यूट्यूब हमारी फैमिली है, इसलिए कि रहेंगे। आज एक 2,53,000 की फैमिली के एक हम भी एक सदस्य बन चुके हैं, बिल्कुल जो कि इन लोग का प्यार ही इतना मुझे मिल गया कि आज हम यहाँ तक है। नहीं तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं कभी इतना मुझे दो दो चार आदमी जानेंगे, कभी मैं जी। सपने में नहीं सोची थी। और आज हमारी पब्लिक ने हमें पहुंचा ही दिया दो चार तो आदमी भौजी के। एक बात बताइए, एक सवाल बनता है कि भाई साहब के प्रेम को आप भुला के पब्लिक के प्यार में आप इतनी डूब गई हैं कि भाई साहब को वक्त नहीं दे पाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ वक्त नहीं दे पाते हैं। मान हाँ लीजिए कि हमारा ड्यूटी है, ये तो हमारा ड्यूटी ही है ना। मान लीजिए कि ड्यूटी, आप उसको बुखार लगे, चाहे सर्दी लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ड्यूटी ड्यूटी करना है। इसी तरह हमारा यूट्यूब एक हमारा ड्यूटी बन चुका है, और उसको मान लीजिए कि समय से हम वीडियो नहीं दे पाएंगे तो पब्लिक हमारे उस टाइम खोजती है कि हम तो कहाँ पब्लिक हैं। को तो आप खुश कर रही हैं, पति को खुश नहीं तो वो तो रखिएगा। कैसे कहते हैं कि ड्यूटी जाने के समय में कंपनी की हाजिरी जनाना पड़ता है, चाहे घर में आप काम करिए चाहे ना करिए, पर ड्यूटी जाके हाजिरी तो जनाना ही पड़ेगा, अब्सेंट परजेंट तो लगाना ही पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा, इसी तरह के इसलिए पति हम नाराज हो हाँ जाते थोड़ी सी हैं। परजेंट के चक्कर में हो जाता है, हाँ अब्सेंट होने भी नहीं देते। कभी हुआ भी नहीं है, अभी फिलहाल में 1 हफ्ते से वीडियो हम नहीं डाल पा रहे। आप लोग ही जैसे रिपोर्टर आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं अपने चैनल पे काम नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, ज्यादा हाँ व्यस्तता नहीं हो हो पा रही रही है। हूँ, और बहुत ही जल्दी करूँगी। कल परसों से मेरा काम चालू हो जाएगा यूट्यूब पे अपना, तो और थोड़ी सी मुझे समय नहीं मिल पाएगा। तो क्या मतलब, ऐसा लग रहा है कि पति के साथ आपका रिलेशन कुछ खट्टा चल रहा है या प्यार नहीं, भरा है? ऐसी कुछ नहीं है, बस वो आधे घंटे घंटे के लिए होता है, उनको भी समझ में आ जाता है कि काम करती है, प्रेशर झगड़ा ज्यादा रहता है, तो मतलब झगड़े काम को करके ज्यादा मुझे ज्यादा लेना एक है या घंटे में इंदिरा सल्व गांधी को कर मुझे लेना लेना ठीक रहता है। इसलिए पड़ेगा। ज्यादा लंबा झगड़ा करिएगा तो हम दोनों की हानि पहुंचता है, इसलिए कि अगला पिछला तो कोई है नहीं प्यार से बिल्कुल समझाने वाला, बिल्कुल इसलिए झगड़ा भी करते हैं तो अपने यही में बात दोनों सलट होगा। जाते हैं। अच्छा भाई साहब जो है आपसे कितना खुश रहते हैं? पूरी 100% खुश रहते हैं, वो तो उनकी मन में है कि कितना खुश रहते हैं, पर मुझे लगता है कि पूरी 100% खुश रहते हैं, और मेरे से खास करके। एक आपको देख के एक गाना, बहुत पुराना गाना है, याद आ रहा है कि सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। आपने ये गाना सुना है? तो हाँ सुना भी है। भाई साहब आपके लिए कुछ गुनगुनाते हैं नहीं वो गुनगुनाते नहीं है, वो घुराते हैं मेरे ऊपर। जी, ये नहीं? काजोल की बात आ गई थी ना, वो उसमें कॉमेडी में बोला था गुनगुनाते नहीं पूरे दिन घुराते, तो मुझे भी याद आ गया। तो मेरे लिए गुनगुनाते नहीं है जितना घुराते हैं। आप गुनगुनाती हैं कि नहीं कुछ वो कभी गीत? कभी हम भी गा लेते हैं, कभी कुछ याद आ जाता है। तो अब मेरे ऊपर देखिए इतनी ज्यादा काम की प्रेशर है कि दो बच्चों को देखना, पति देव को देखना, घर की पूरी जिम्मेदारियां संभालना। हालांकि हमारे शादी के 2014 साल हो गया, मतलब 2014 मेरा शादी, 10 साल शादी भी हो गया। 10 साल शादी के बाद भी हम दोनों की घर वालों ने मतलब साइड कर दिया था, और पूरी परेशानियों की सामना करते हुए आगे बढ़ना, ये मामूली बात नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब मैंने, परिवार से आप अलग रहते हाँ हैं? जी, तो इसके लिए थोड़ी सी हमें समय नहीं मिल पाता है, और ज्यादा मैं अपने काम को ही लेकर परेशान रहती हूँ कि मुझे ये काम करना है वो काम करना है। तो मेरी समस्या कोई नहीं समझता है, पर फिर भी मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे अपनी घर की राय है, वो सबको बिल्कुल घर में, सबके घर में होता है इसके लिए।